स्टूडेंट्स, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन के कॉन्सेप्ट को जाना है। आइए अब हम देखते हैं कि जो वित्तीय नियोजन है ये कितने प्रकार से होता है। तो बच्चों, ये तीन प्रकार से होता है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें तीन प्रकार दिख रहे हैं। पहला है दीर्घकालीन, दूसरा है मध्यकालीन और तीसरा है अल्पकालीन। दीर्घकालीन को हम लॉन्ग टर्म कह सकते हैं, मध्यकालीन को हम मीडियम टर्म कह सकते हैं और अल्पकालीन को हम शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। तो जब हम अगर दीर्घकालीन नियोजन की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 5 वर्ष या उससे अधिक का हो सकता है। ड्यूरेशन मतलब कार्यावधि या उसको कब तक अप्लाई किया जा सकता है। तो जिसका ड्यूरेशन होता है वो 5 वर्ष या उससे अधिक का होता है। और इसका जो उद्देश्य होता है वह किस तरह कंपनी का विकास किया जाए, साथ ही साथ उसमें किस प्रकार के निवेश किया जाए जिससे कि कंपनी का ग्रोथ और अच्छी तरीके से हो। इसके बाद हम अगर बात करें तो ये जो दीर्घकालीन नियोजन होते हैं ये फोकस करते हैं मेनली किसके ऊपर, पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के ऊपर फोकस करते हैं। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के ऊपर जो कि नियोजन जिसमें सम्मिलित होता है, वो है मध्यकालीन नियोजन। यानी जो हमने कहा जैसे लॉन्ग टर्म, वैसे ही मीडियम टर्म प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ड्यूरेशन होता है 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच होता है, या उसकी जो कालावधि होती है 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच की होती है। और जैसे इनमें क्या क्या कार्य हो सकते हैं, जैसे संपत्तियों का प्रतिस्थापन कैसे कहाँ होगा, कैसे होगा, इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाएंगे। तो इस तरीके के जो कार्य होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं वो मीडियम टर्म या मध्यकालीन नियोजन में होती हैं। उसके बाद अगर हम अंतिम प्रकार की बात करें, जो तीसरा प्रकार है, वो कहता है कि ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, इसका जो कालावधि क्या होना चाहिए बच्चों, इसकी जो कालावधि होनी चाहिए वो 1 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। अब इसमें किस तरह के कार्य हो सकते हैं, जैसे बजट बनाना। तो बजट बनाना भी एक अल्पकालीन नियोजन की तरह हम एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं। अब हमने देखा जैसे कि वित्तीय नियोजन में ये तीन प्रकार के नियोजन सम्मिलित हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि वित्तीय नियोजन के महत्व क्या क्या हैं। अब आप जैसे कि आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं, वित्तीय नियोजन का जो पहला महत्व है उसके अनुसार समन्वय में सहायक, यानी हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। कैसे समन्वय में सहायक होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन। बच्चों, हम केवल नॉर्मल प्लानिंग की ही बात करें, जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्लानिंग के थ्रू हम जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने वाले, मतलब जो क्रियाएं करने वाले हैं, उनके बीच हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन या उनके बीच समन्वय स्थापित करते हैं। तो इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो उसका महत्व यहाँ कैसे जान सकते हैं, जैसे कि कंपनी में डिफरेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, ठीक है, और कुछ नियम बने हैं, अब उनको किस तरह फॉलो किया जाए। अब जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ है जैसे क्रय विक्रय उत्पादन, ये सारी एक्टिविटीज़ के बीच में जो समन्वय वाला पार्ट आता है या जो कोऑर्डिनेशन का जो काम होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन के द्वारा होगा। अब अगर हम दूसरे महत्व की ओर चलें तो दूसरा महत्व कहता है कि संभावित परिस्थितियों का सामना करने में सहायक, हेल्प्स इन फेसिंग इवेंचुअलिटीज़। क्या होता है इसमें, अब वित्तीय प्लानिंग क्यों की जाती है या वित्तीय नियोजन क्यों किया जाता है कि इन फ्यूचर या भविष्य में कुछ भी कार्य आते हैं या कहीं नया निवेश करना है या कोई नया प्लांट बनाना है या कुछ चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। तो इन सब चीज़ों से उबरने के लिए और इवेंचुअली, मतलब अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहाँ अचानक ही निवेश करना पड़ जाए या फंड की आवश्यकता पड़ जाए, उन स्थितियों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ये जो है वो मदद करती है। फाइनेंशियल प्लानिंग, मैं फिर से बता रही हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन। बच्चों, मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि इस चैप्टर में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स का यूज़ कर रही हूँ, इन केस कहीं मैं इंग्लिश टर्म
कह देती हूँ और हिंदी टर्म नहीं कह रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने कई बार इंग्लिश टर्म के साथ हिंदी टर्म भी कोरिलेट किया है या जोड़कर बताया है। तो कृपया आप ध्यान से सुने और इंग्लिश टर्म को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये इंग्लिश टर्म बहुत हेल्पफुल करेंगे चीज़ों को आसानी से याद करने में और उनको समझने में। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक में हम महत्व पढ़ रहे थे और महत्व जो है हम तीसरा देखते हैं कि तीसरा महत्व क्या है। तीसरा महत्व है व्यावसायिक सदमों और आश्चर्यों को टालने में सहायक होता है, हेल्प्स इन अवॉइडिंग जो भी शॉक्स होते हैं, सरप्राइजेस होते हैं, उनको टालने में, अवॉइड करने में। कैसे? मान लीजिए फंड कम है हमारे पास, हमको कहीं निवेश करना है, फिर क्या होगा, इस स्थिति में भी लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नई मार्केट में उतार चढ़ाव आ गए, उस केस में क्या हो गया, फंड हमारे पास प्रॉपर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे भी शॉक्स है। तो इन सारे शॉक्स और इन सारे सरप्राइजेस से बचने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमें मदद करती है, क्योंकि ये क्या करती है, ये पहले ही क्या कर लेती है कि हिसाब लगा लेती है कि इन फ्यूचर हमें नए इन्वेस्टमेंट के लिए कितने फंड अपने पास रखने हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, फिक्स्ड एसेट्स पे होंगे या फिर करंट एसेट्स पे होंगे, ये सारे हिसाब किताब ये पहले लगा लेती है। और जो प्रॉफिट आएगा या जो लागत लगेगी, इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना, शेयर होल्डर्स यानी अंशधारी, उनको कितना शेयर्स देना है, कितना जो है अपने लिए बचाना है, मतलब कंपनी के लिए बचाना है कि इन फ्यूचर वो आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर सके, या यदि स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता है तो उससे जो समस्याएं खड़ी होंगी उनके लिए अपने लिए फंड बचा सके। ये सारी चीज़ें प्लान होती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बोलता है फोर्थ जो महत्व है वो कहता है कि विनियोग तथा वित्त निर्णयों में संबंध स्थापित करने में सहायक, हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब देखिए, अब फाइनेंशियल प्लानिंग में ये भी डिसाइड किया जाता है या प्लान किया जाता है कि जो फंड अवेलेबल है उससे अगर हमको इन्वेस्ट करना है इन फ्यूचर तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनके मध्य फाइनेंशियल प्लानिंग में चलती रहती है। और अगर एक स्टेटमेंट पढ़ें तो जो अंश पूंजी और ऋण पूंजी का जो मिश्रण होता है, जो कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, उसका सही ढंग से उपयोग किस तरीके से किया जा सके, ये इस महत्व में हम समझते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया, इसके बारे में हम महत्व के बाद डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए हम महत्व अगले महत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो, वित्तीय निर्णय यानी फाइनेंशियल कंट्रोल, हमने जैसे कंट्रोलिंग चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्या आप उसको रिकॉल कर सकते हैं? चलिए मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। उसमें क्या करते थे हम, स्टैंडर्ड सेट करते थे। अब स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होता है, प्रमाप, प्रमाप को हम क्या करते थे, सेट करते थे। प्रमाप को सेट करने के बाद क्या करते थे, जो रिजल्ट आए हैं उससे प्रमापों की तुलना करते थे। अब प्रमापों की जब तुलना किए, जो डेविएशन मिले है ना, विचलन, अब उन विचलनों से हम क्या करते थे, उसको एनालाइज करते थे, उसको देखते थे कि जो विचलन है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, और इन विचलनों में सुधारात्मक कार्य किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी कंट्रोलिंग सेम काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम वित्तीय नियंत्रण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, यानी प्रमाप सेट किए जाते हैं कि कितना निवेश करना है, कितना पूंजी कहाँ लगाना है, ठीक है। अब उन स्टैंडर्ड्स को क्या कहता है, जो हम कार्य कर रहे हैं उससे उनका कंपैरिजन होता है, या जो खर्च कर रहे हैं, जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं, जो विचलन प्राप्त हुए हैं उन विचलनों को क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं और उनके लिए सुधारात्मक कार्य करते हैं। इसके बाद हम छठवें महत्व की ओर आगे बढ़ते हैं। छठवां महत्व कहता है कि वित्त की बर्बादी पर रोक में सहायक, हेल्प्स टू अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फाइनेंस। अब देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर इस तरह हुई कि समय आने पर वित्त का अभाव हो गया तो भी क्या होगा, उस स्थिति में कंपनी को घाटा होगा, और इन केस अगर वित्त ज़्यादा हो गया तो वहाँ तरलता बढ़ जाएगी। तो वित्त का अभाव होना और वित्त का ज़रूरत से ज़्यादा होना, दोनों ही स्थिति क्या करेगी, वेस्टेज करेगी फाइनेंस का। तो उन स्थितियों से बचाने में भी फाइनेंशियल प्लानिंग मदद करती है।
जो सातवां और अंतिम महत्व अगर हम देखें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके अनुसार वर्तमान को भविष्य से जोड़ने में सहायक है, हेल्प्स टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। अब देखिए प्लानिंग क्यों करते हैं, हमने जैसे प्लानिंग चैप्टर से मैनेजमेंट में पढ़ा था कि प्लानिंग क्या कहता है, किसी भी कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन को, मतलब विस्तार और सॉरी ग्रोथ मतलब विकास और एक्सपेंशन मतलब विस्तार, उसके लिए किया जाता है, ठीक है। अब उनको भविष्य से जोड़ रहे हैं, तो इसी तरह हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो विकास योजनाएं चलाई जाती हैं या विकास योजनाएं जो होती हैं उनका पूर्वानुमान लगाकर क्या होता है, भावी वित्त की आवश्यकताओं और वर्तमान वित्त संसाधनों के मध्य क्या किया जाता है, संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, भावी जो अनिश्चितताएँ होती हैं उनके जोखिमों को कम किया जाता है और उसे सहायता प्राप्त की जाती है जिससे कि कंपनी को कम से कम लॉस होता है। तो बच्चों ये जो सात पॉइंट्स हमने देखे हैं, सात महत्व या इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स देखे, वो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है ये जानने में बहुत अच्छी से मदद करेंगे। आइए अब हम चलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की ओर और उसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, कैपिटल स्ट्रक्चर जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजी ढांचा। अब ढांचा से आप क्या समझ सकते हैं, इसे हम पूंजी की संरचना भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा है बेटा कि किसी भी ऑफिस के निर्माण में या किसी घर के निर्माण में या फ्लैट्स के निर्माण में उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है या ढांचा बनाया जाता है, उसी तरह अगर हम समझें तो पूंजी ढांचा क्या होता है। पूंजी ढांचे से तात्पर्य है कि जो दीर्घकालीन वित्त के पारस्परिक जो स्रोत हैं या उनका किस तरीके से हम अनुपातिक इस्तेमाल करें। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं, एक तो ओनर्स फंड होता है, एक बोरोड फंड होता है। ओनर्स फंड जैसे मैंने आपको बताया कि जो व्यक्ति उस कंपनी के ओनर हैं मतलब मालिक है, उन्होंने उनके पास जो फंड है वो फंड बोरोड फंड मान लीजिए लोन है। इसमें दो चीज़ें हम बात करते हैं, डेट और इक्विटी की, ठीक है। डेट क्या होता है, ऋण होता है, इक्विटी क्या होता है, समता होती है। तब डेट और इक्विटी इन दोनों का हम अनुपात किस तरीके से लें कि एक कंपनी को चलाने में वो मदद कर सके। क्या सिर्फ डेट के बेसिस पे कोई कंपनी चल सकती है या सिर्फ इक्विटी के बेसिस पे कोई कंपनी चल सकती है। देखिए अलग अलग लेकर भी चले तो इन कंपनी चल सकती है, लेकिन अगर कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है और अपने आप को मार्केट में बनाए रखना है तो उसके लिए उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उनमें डेट और इक्विटी यानी ऋण और समता दोनों का अनुपात इस तरह से होना चाहिए कि जो कंपनी में लगने वाला फंड है वो अच्छी तरीके से यूज़ हो सके। अगर हम इसको इस तरीके से भी समझें कि इसमें विभिन्न साधनों में पूंजी को इस प्रकार एकत्रित किया जाता है कि पूंजी ढांचे में जो पूंजी आ रही है उसका अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। तो बच्चों इससे अगर हम परिभाषा को देखें तो हमने दो परिभाषाएं देखनी हैं। पहली परिभाषा जो है जस्टिन बर्क सर ने दी हुई है, उनके अनुसार निर्गमित की जाने वाली विभूतियों के प्रकार तथा पूंजीकरण को निर्मित करने वाली अनुपातिक राशि को पूंजी ढांचा कहते हैं। और वेस्टर्न एंड ब्रिगम सर के अनुसार पूंजी ढांचा किसी वित्त की स्थायी व्यवस्था है जो सामान्यतः दीर्घकालीन ऋण पूर्वाधिकार अंश एवं समता द्वारा व्यक्त होती है जिसमें अल्पकालीन साख सम्मिलित नहीं है। समता में समता अंश पूंजी आदि के तथा संचित आय सम्मिलित हैं। अगर इन दोनों परिभाषाओं का निष्कर्ष हम निकालें तो ये जो दीर्घकालीन स्रोत हैं या दीर्घकालीन वित्त हैं यानी डेट एंड इक्विटी, इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, किसका, डेट और इक्विटी दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ताकि उसको अच्छी तरीके से अपने कंपनी में यूज़ किया जा सके और अपने कंपनी को प्रॉफिट अर्न कराया जा सके और मार्केट में सस्टेन रखा जा सके। स्टूडेंट्स अब आइए इस पूंजी ढांचे को एक विवरण के माध्यम से और स्पष्ट रूप से हम समझते हैं। बच्चों एक कंपनी को अपना व्यवसाय भली भांति प्रकार से संचालित करने के लिए जो आवश्यकता होती है इसे हम इन साधनों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप चिट्ठे में देख रहे हैं
जो पहला कॉलम है उसमें पूंजी की स्रोत लिखा है, दूसरा कॉलम राशि है, तीसरा कुल पूंजी का प्रतिशत है और चौथा है दीर्घकालीन पूंजी स्रोत का प्रतिशत। अब इसमें आप देख रहे हैं पहला लिखा है समता अंश पूंजी, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा है पूर्वाधिकार अंश पूंजी, जिसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। तीसरा है ऋण पूंजी, जिसे बोरोड कैपिटल कहते हैं। चौथा है संचित लाभ, जिसे रिटेन प्रॉफिट्स कहते हैं। और पांचवा है चालू दायित्व, जिसे करंट लायबिलिटीज कहते हैं। और आप इन्हीं के सामने इनकी दी हुई राशियों को देख रहे हैं और उसके बाद उसी के सामने जो कुल पूंजी का प्रतिशत है उस कॉलम में जो प्रतिशत वाइज उनकी कुल पूंजी निकाली गई है वो भी प्रत्यक्ष दृश्य है। अब ये जो कंपनी का चिट्ठा है उसका जो दायित्व पक्ष है जिसका योग 10 लाख रुपए है, इसमें विभिन्न वित्तीय स्रोतों का प्रतिशत क्रमशः जो है 45, 22.50, 11.25, 11.25 व 10 है। ये जो है वह कंपनी का वित्तीय ढांचा यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है। यदि कुल दायित्वों के योग में से चालू दायित्वों को कम कर दिया जाए तो शेष 9 लाख का योग पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन कहलाएगा। पूंजीकरण अर्थात रुपये 9 लाख के विभिन्न स्रोतों का प्रतिशत क्रमशः अंतिम कॉलम के अनुसार 50, 25, 12.50, 12.50 है। पूंजीकरण के विभिन्न स्रोतों के इस पारस्परिक अनुपात को पूंजी ढांचा यानी कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब आपने जो विवरण देखा है उससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार है। मैंने जो बताया वित्तीय ढांचा यानी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, उसे किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से अभिप्राय चिट्ठे के दायित्व पक्ष की रचना से है, अर्थात इसके अंतर्गत दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन दोनों प्रकार के पूंजी स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। उसी प्रकार पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो पूंजीकरण से अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी स्रोतों के योग से है, अर्थात यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोतों को कम कर दिया जाए तो शेष पूंजीकरण बचता है। और अंतिम पूंजी ढांचे को हम परिभाषित करते हैं यानी कैपिटल स्ट्रक्चर को, तो उससे अभिप्राय दीर्घकालीन पूंजी के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। पूंजीकरण एवं पूंजी ढांचे के संबंध में कहा जा सकता है कि पूंजीकरण दीर्घकालीन कोषों का संख्यात्मक पहलू यानी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जबकि पूंजी ढांचा इनका गुणात्मक पहलू है यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। एक कमेंट आता है कि ऋण पूंजी एवं समता अंश पूंजी यानी डेट कैपिटल, ठीक है, और समता अंश पूंजी यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें लागत एवं जोखिम। तो इसमें पहला बिंदु दिया है ऋण समता की तुलना में सस्ता स्रोत है। देखिए बच्चों, ऋण जो है आज जैसे कि आप जानते हैं इक्विटी की कंपैरेटिवली क्या है, उसके कंपैरिजन में क्या है, एक सस्ता स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसमें जब कोई व्यक्ति इसमें विनियोग करता है तो क्या होता है, उसमें कम जोखिम होता है। और अगर हम इसी में देखें समता अंश में जब विनियोग करता है तो अधिक जोखिम होता है। अब इसमें जो दूसरा बिंदु कहता है कि समता की तुलना में ऋण जोखिमपूर्ण है। हाँ, अगर समता से ऋण की तुलना करें तो बट ऑब्वियस है कि जो ऋण है वो ज़्यादा जोखिमपूर्ण है, क्योंकि ऋण में क्या चुकाना पड़ता है, ब्याज चुकाना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी क्या करना पड़ेगा, अगर उसने ऋण लिया है तो उस पर उसे ब्याज देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर समता से उन्होंने फंड रेज किया है तो क्या होगा, अगर वहाँ पे लाभांश नहीं आ रहे हैं या लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है या प्रॉफिट गेन नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में क्या होगा कि उनको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या लाभांश या डिविडेंड्स देने नहीं पड़ेंगे। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि समता की जो तुलना में ऋण जो होते हैं जोखिमपूर्ण होते हैं। तीसरा बिंदु कहता है ऋण एक उधार कोष है
जबकि समता स्वामित्व कोष है। देखिए ऋण, आप ऋण लेते हैं तो वो उधार है, जैसे कि आप जानते हैं। आप बैंक से भी लोन लेते हैं तो बैंक से आप क्या ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, और उसको वापस कैसे करते हैं, उसकी जो मूल पूंजी है उसके साथ प्लस ब्याज यानी इंटरेस्ट एड ऑन करके आप उसको बैंक को वापस करते हैं। तो इस तरीके से हम ऋण को क्या कह सकते हैं, ये एक उधार है। और दूसरा, जबकि समता एक स्वामित्व कोष है, बट ऑब्वियस है क्योंकि इक्विटी जो होता है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा इशू किया जाता है, तो वह स्वामित्व कोष के अंदर ही आएगा। अब इस कमेंट की चर्चा होने के बाद एक नेक्स्ट कमेंट की ओर चलते हैं, जो कि कहता है ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी में समानता व असमानता। आइए इसकी कुछ समानताओं को देखते हैं। देखिए जो ऋण पूंजी है, ऋण पूंजी में क्या होता है, ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। अब ब्याज की दर रखती है। और पूर्वाधिकार अंश पूंजी में क्या होगा, पूर्वाधिकार जो अंश पूंजी है उसमें लाभांश होगा। तो इसमें ये जो स्रोत होते हैं ये स्थायी पूंजी लागत के होते हैं, यानी फिक्स्ड कैपिटल कॉस्ट होते हैं। और अगर हम दूसरी समानता देखें तो ये जो दोनों पूंजी स्रोत हैं समता अंश पूंजी से सस्ते होते हैं। मतलब समता अंश पूंजी जो है कंपैरेटिवली इन दोनों के क्या हो गई, महंगी हो गई। ये तो दोनों में समानता हुई। अब असमानता देखें, उसमें पहली असमानता क्या हुई, मान लीजिए अगर लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है किसी कंपनी को, लेकिन उसको फिर भी अगर जो ऋण लिया है या डेट लिया है उस पर क्या देना पड़ेगा, उनको इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन अगर इक्विटी शेयर्स लिए हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर लाभ नहीं हो रहा है तो उन पर उनको डिविडेंड्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक असमानता हुई। दूसरी असमानता है ऋण पर ब्याज के बाद क्या जुड़ता है, टैक्स जुड़ता है। मतलब टैक्स बेनिफिट कैसे आता है कि जैसे ही ऋण लिया उसका ब्याज एड ऑन हो गया, तो आप लोग देखते हैं कि आपके फादर जब लोन लेते हैं तो उनके टैक्स में अपने आप कमी हो जाती है। तो इससे आप ऋण में किस तरीके से टैक्स बेनिफिट मिलता है उसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर हम समता की बात करें तो जैसे ही डिविडेंड्स यानी लाभांश प्राप्त होता है उसको जोड़ते हुए क्या हो जाता है, वहाँ पे टैक्स लगते हैं। मतलब इक्विटीज़ को भी जोड़ेंगे, साथ ही साथ जो लाभांश यानी डिविडेंड्स जुड़ रहे हैं उनको जोड़ करके जो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा उस तरीके से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और उसमें समता अंशधारियों को वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर हम इनका निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि जो दोनों स्थायी लागतें हैं वो पूंजी हैं, लेकिन प्रतिफल क्या है उनका, ब्याज और लाभांश। ब्याज किसका है, ऋण का है, और लाभांश किसका मिल रहा है हमको, पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश मिलता है। तो जो दोनों का प्रतिफल है उसके भुगतान को अनिवार्यता को लेकर विभिन्न मत हैं या भिन्नता आती है। हम इस निष्कर्ष से इनकी समानता और असमानता को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग हमने जाना। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद एक वर्ड आता है फाइनेंशियल लीवरेज एंड फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल लीवरेज को हिंदी में वित्तीय लीवरेज कहते हैं और फाइनेंशियल रिस्क को हिंदी में वित्तीय जोखिम कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज होता क्या है। जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर यानी पूंजी ढांचे में जो समता अंश पूंजी है यानी इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ जो स्थायी लागत पूंजी लगाते हैं, मतलब जो ऋण पूंजी है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, उनको भी अगर सम्मिलित किया जाता है तो उस स्थिति में इसे क्या कहते हैं, वित्तीय लीवरेज कहते हैं। इसे हम वित्तीय उत्तोलन जैसे एक सूत्र से समझ सकते हैं, वित्तीय उत्तोलन बराबर ऋण बटे समता, या इसे भी कह सकते हैं कि ऋण बटे ऋण धन समता, इस प्रकार से भी हम इसको बता सकते हैं। अब वित्तीय लिवरेज को हम मैंने जैसे बताया कि इसमें क्या है, ऋण और समता दोनों को लिया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो डेट होता है यानी ऋण होता है, इट इंक्रीजेस अर्निंग बिकॉज इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। मतलब ये क्या करता है, जो डेट होता है वो अर्निंग को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि ये चीपर सोर्स मतलब सबसे सस्ता साधन होता है कि वित्त को हम कहाँ से इकट्ठा करते हैं।
तो बच्चों ये था वित्तीय लीवरेज। अब हम बात करते हैं वित्तीय जोखिम की। जोखिम जैसे कि बच्चों आप समझ रहे हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं। जब हम किसी को भुगतान नहीं दे पाते या किसी का भुगतान नहीं चुका पाते, वहाँ कंपनी जो है एक जोखिम में आती है। आइए इसे हम और अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं। जो वित्तीय जोखिम होता है वो स्थायी लागत पूंजी के उपयोग में कंपनी पर स्थायी वित्तीय लागतों के भुगतान का बोझ बढ़ता है। विपरीत परिस्थितियों में स्थायी वित्तीय लागतों भुगतान न कर सकने के कारण उत्पन्न जोखिम को वित्तीय जोखिम कहते हैं। तो बच्चों ये हमने वित्तीय लिवरेज और वित्तीय जोखिम को जाना। आइए अब हम जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यानी समता पर व्यापार को समझते हैं कि समता पर व्यापार होता क्या है। समता पर व्यापार को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो समता अंश पूंजी है उसके आधार पर जो स्थायी लागत पूंजी यानी ऋण पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्राप्त करके समता अंशधारियों की आय में वृद्धि करना, मतलब ऋणों के द्वारा क्या करना है, आय प्राप्त करना है और उनसे शेयर होल्डर्स को क्या प्रॉफिट्स देना, ये है समता पर व्यापार। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति ऋण क्यों दे, क्योंकि ऋण वह तभी देगा जब उसको ऐसा लगेगा कि इस कंपनी के पास जितना फंड होना चाहिए प्रॉपर फंड है। अगर वह लाभ कमा रहा है उस स्थिति में वह ब्याज देगा, लेकिन इन केस अगर वह लाभ नहीं कमा रहा है, वो लॉस में जा रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वह कम से कम क्या करेगा, अपने कुछ शेयर्स तो देगा ही देगा। तो इस स्थिति में ऋण पर जो ब्याज मिलता है उस स्थिति के कारण क्या होता है जो ऋण देने वाले हैं वो ऋण देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि स्थायी लागत पूंजी जारी करके समता अंशधारियों की आय वृद्धि कैसे हो सकती है। इसे बच्चों हम EBIT माइनस EPS एनालिसिस द्वारा समझ सकते हैं। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसे हिंदी में कहते हैं ब्याज के दर के पूर्व आय। ये एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है बच्चों, मतलब जब किसी कंपनी ने लाभ कमाया हुआ है लेकिन उसने अभी तक ब्याज भी नहीं दिया है ऋण पर और ना ही क्या अपना टैक्स पे किया है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उस कंपनी के लाभ प्राप्त करने में कितनी उस क्या स्थिति है उसकी यह जानकारी मिलती है। तो इस समय इस कंपनी की स्थिति को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं और इस स्थिति को हम EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से समझते हैं। और अब EPS की बात करते हैं। EPS होता है अर्निंग पर शेयर यानी प्रति अंश आय, मतलब हर एक अंश पर या शेयर पर कितना इनकम हो रहा है। अब इसे हम और अगर डिटेल में अच्छे से समझें तो इसे इस सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि EPS इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल पर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब कि जो अर्निंग अवेलेबल हो रही, मतलब अर्निंग जो मिल रही है या जो फंड हम कमा रहे हैं, जो आय आ रही है, वो इक्विटी शेयर को कितनी मिल रही है और बटे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और उसने उसके पास कितने नंबर्स में इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है, उस हिसाब से हम इक्विटी पर शेयर को समझ सकते हैं। तो बच्चों आपने यह समता पर व्यापार यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को जाना। अब हम ये जानेंगे कि समता पर व्यापार का क्या महत्व है या द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी को समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार का महत्व इस बात में है कि यदि कंपनी को अधिक लाभ हो रहा है तो वह स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग करके समता अंशधारियों की आय को बढ़ा सकती है। और अगर हम समता पर व्यापार की सीमाएं देखें यानी लिमिटेशंस समझें, तो इस स्थिति में जो लाभ जो है वह निम्नलिखित दिशाओं में प्राप्त होता है जो कि आपकी स्क्रीन पर विजिबल है आपको। इसमें जैसे कहा जा रहा है कि जब कंपनी को निरंतर आय होती है, दूसरा जब कंपनी की आय ऋण पर ब्याज दर एवं पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश दर से अधिक हो, और तीसरा जब कंपनियों के पास ऋणदाताओं की प्रतिभूतियां के रूप में देने के लिए पर्याप्त स्थायी कंपनियां। तो बच्चों इस तरीके से हमने ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की जो लिमिटेशंस हैं उनको भी समझा।